अगर आप इस वीडियो के ऊपर हैं तो एक चीज कंफर्म है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर धमाका करना चाहते हैं। वेल, कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा लेवल जो आपने सोचा हो कि मुझे अब अचीव करना है, किसी भी हाल में अचीव करना है, एक बार उस टारगेट के बारे में सोचिए, उस लेवल के बारे में सोचिए। अब इमेजिन कीजिए वो लेवल आपका पूरा हो जाता है, वो भी अगले 6 महीने के अंदर। अब 6 महीने के अंदर आपका वो टारगेट जो आपने सोचा हुआ है वो पूरा हो जाता है, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? अगर वो पैसा आपको मिलेगा तो आप क्या क्या करने वाले हैं, जरा सोचिए इस बारे में। पहले आपको डेफिनेटली सोचते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बट आई टेल यू दिस, वही टारगेट्स, उन्हीं लेवल्स को जो आपने सोचा है उन्हें अचीव करने के लिए आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर आप अपना लेवल रेज नहीं करेंगे, अपना गेम रेज नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को रेज नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को रेज नहीं करेंगे और नई चीजें नहीं सीखेंगे, तो आप कभी भी उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। वेल, वो टारगेट्स अचीव होंगे और जरूर अचीव होंगे, इस बात में कोई दोराय नहीं है, बट बात है कितनी जल्दी। आप BMW चलाना चाहते हैं, आप ऑडी खरीदना चाहते हैं, कैसा रहेगा आज से 30 साल के बाद आपको BMW, आपको ऑडी मिल जाए? वेल, आप कहेंगे 30 साल के बाद भी अच्छा रहेगा, बट थोड़ा जल्दी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। आपको जल्दी चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अगर मैं वही बात दोबारा रिपीट करूं कि 30 साल के बाद मिल जाए या 25 साल के बाद मिल जाए तो कैसा रहेगा, आप अगेन बोलेंगे अच्छा रहेगा बट जल्दी मिल जाए तो और बेहतर होगा। वेल, वही जल्दी मिल जाए, इसका सीक्रेट क्या है? इसमें कोई दोराय नहीं है, आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप सोचते हैं, बट उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है कि हम कितना भी अचीव कर सकते हैं, कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं, शर्त हमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब वो बेसिक चीजें क्या होती हैं? बेसिक चीजें कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स और कंपनी का प्लान जानना नहीं होती, वो होती हैं वो स्किल्स जो हर नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के अंदर हैं। अब बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो आपकी कंपनी के टॉप अर्नर्स हैं, उनके पास तो वो चीजें हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूं, बट वो आपको कैसे मिलेंगी इसके ऊपर बात करना ज्यादा जरूरी है। वेल, उन लीडर्स के अंदर ये चीज इनबिल्ट हो चुकी है। अब हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा हो ना चल रहा हो, बट वो स्किल्स जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो ऑलरेडी उन लीडर्स के पास है। वो आपको कैसे मिलेंगी, और अगर आपको मिल गई तो आप कितनी जल्दी वो लेवल्स को अचीव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं, उस कंपनी में एक डायमंड लेवल पर्सन के बारे में सोचिए, या अपनी कंपनी के टॉप अर्नर के बारे में सोचिए। वो टॉप अर्नर है, एंड आप, हो सकता है आपने अभी शुरू किया हो, आपने 3 महीने पहले शुरू किया हो, 6 महीने पहले, साल, 2 साल, जो भी आपने शुरू किया, बट आपको भी वो सफलता चाहिए। अब एक इमेजिन कीजिए सेम सिचुएशन, आज आपने जीरो से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, एंड मान लेते हैं वही लीडर जो आपकी कंपनी के टॉप अर्नर है, उन्होंने भी आज सब कुछ चला गया, उनका कोई डाउनलाइन नहीं है, उनकी वो भी आज जीरो से शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि सफलता जल्दी किसे मिलने वाली है, आपको या उस लीडर को जो आज लीडर है बट वो जीरो से शुरू कर रहा है? वेल, आपने उस लीडर की डाउनलाइन छीन ली, आपने उस लीडर की पोजीशन छीन ली, बट आप एक चीज उस लीडर से नहीं छीन सकते, वो है उस लीडर की स्किल्स और उस लीडर की नॉलेज। अब बात आती है कि वो कौन सी स्किल्स, कौन सी नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं जो आपके अंदर होनी चाहिए, सो दैट आप आज उसी लेवल पर आ जाए। वेल, वो डायमंड लेवल पे जो पर्सन था, अगर आज वो जीरो से शुरू करेगा तो उसे सालों नहीं लगेंगे दोबारा से उतना बड़ा एम्पायर बनाने में, वो बहुत तेजी से कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपर्टीज बढ़ गई, गेम बढ़ गया। अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर सफल होना है तो 7 डोमेन के ऊपर आपको काम करना है। यस, 7 डोमेन्स के ऊपर आपको काम करना है। सबसे पहला डोमेन, आपका माइंडसेट। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अगर माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप गारंटेड फेल होने वाले हो। आपको अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना है, पॉजिटिव भी इस तरीके से करना है, और बातें भी वो पता होनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलो जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पूरी तरीके से नेगेटिव है तो उसे भी आप पॉजिटिव कर दो। तो ऐसा माइंडसेट कैसे डेवलप होगा इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं इन्हें पढ़िए। माइंडसेट डेवलपमेंट में अगर आपको ये सब कुछ सीखने को मिले तो क्या आप किसी भी व्यक्ति को जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए
इनफैक्ट नेगेटिव है, क्या उसे पॉजिटिव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले माइंडसेट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। अब जो ट्रेनिंग कोर्स के बारे में आप अभी जानने वाले हैं, उस ट्रेनिंग कोर्स में हम माइंडसेट डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रांग करने वाले हैं। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, दूसरा डोमेन है स्किल डेवलपमेंट। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। अब स्किल्स की बात अगर मैं करूं तो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाना। अगर एक कुल्हाड़ी के ऊपर से धार हट गई तो आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत कर रहे होगे बट पेड़ कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि कुल्हाड़ी पर धार नहीं है। तो इंग्लिश में बोलते हैं शार्पन द एक्स। एंड यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शार्पन द एक्स का मतलब होता है अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना। अब नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ स्किल्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, अनजान लोगों से बात करना, अपने पहचान के लोगों से बात करना। बट प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आप ऐसे पोटेंशियल लोगों को ढूंढो जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। अब वो लोग कैसे मिलेंगे, उनसे क्या बात करनी है, क्या बोलना होता है, ऐसी कौन सी ह्यूमन साइकोलॉजी है जो आज आपको सीखनी चाहिए, वो आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट। देन इनविटेशन, आपको वेबिनार्स में बुलाना है, आपको सेमिनार्स में बुलाना है, कैसे बुलाना है, क्या बोलना होता है, ये स्किल है, अगेन सीखी जा सकती है। तीसरी चीज प्रेजेंटेशन, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप 2 मिनट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन सिर्फ 2 मिनट के अंदर दे सकते हैं? आप कहेंगे 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन देना सर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वेल, इस ट्रेनिंग के अंदर जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं उसमें एग्जैक्टली मैंने 2 मिनट्स के अंदर कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो सिखाया हुआ है। इसके साथ साथ 25 मिनट के अंदर आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही प्रेजेंटेशंस आपको देना सिखाया हुआ है। एक एक घंटे की प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। देन फॉलो अप कैसे करना है, लोगों को ऑब्जेक्शंस जो आते हैं उन्हें हैंडल कैसे करना है, इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, ये स्किल डेवलपमेंट में सिखाया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए कितने सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर। देन इट कम्स टू मोमेंटम बिल्डिंग। एक बार टीम रिक्रूट होनी शुरू हो गई फिर रुकना नहीं है, फिर मोमेंटम बनाना है। आपने स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में सुना है? स्नोबॉल इफेक्ट आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा बचपन में। एक छोटे से स्नो के बॉल को, मतलब बर्फ के टुकड़े को आप एक पहाड़ से फेंकते हैं और नीचे आते 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 वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसे बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। एंड वही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आ सकता है अगर आप सीखें जो मैं मोमेंटम बिल्डिंग में सिखाने वाला हूं कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर स्नोबॉल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीम को क्या कराना है, टीम को एक बार रिक्रूट कर लिया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अब उनसे अगले 30 दिन क्या करवाना है लोगों को पता ही नहीं होता। वेल, इस ट्रेनिंग के अंदर जो हम बात कर रहे हैं इसमें मैंने आपको चेकलिस्ट दी हुई है कि 30 दिन तक क्या कराना है, चेक करो, एक एक चीज देखो कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आपको पता होगा कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाना है। वेल, सारा गेम डुप्लीकेशन का है और अगर एक बार डुप्लीकेशन आ जाएगा तो मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट कि आप सीखें। इसके बाद लीडरशिप, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक बार मेहनत करनी है उसके बाद लोगों को लीड करना है। एक बार टीम बनना शुरू हो गई उसके बाद सारा गेम रह जाता है आप कंट्रोल कैसे करके रखते हो, लीड कैसे कर रहे हो, टीम आगे मल्टीप्लाई कर रही है नहीं कर रही, वो आपको देखना है और वो भी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर सिखाया गया। आप देखिए लीडरशिप के अंदर कितनी सारी चीज़ें कवर्ड हैं। इसके बाद आ जाता है एक्शन प्लान, करना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने आपको 90 डेज का, यस 30 30 30, 90 डेज का मैंने आपको एक एक्शन प्लान दिया है कि पहले 30 दिन क्या करना है, फिर 30 दिनों में क्या करना है और फिर 30 दिनों में क्या करना है, जिससे आप एक साल के अंदर आप अपनी कंपनी के टॉप अर्नर भी बन सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली मैंने आपको सिखाया हुआ है, आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाई हुई है जिससे आप बहुत तेजी से अपनी कंपनी में लेवल्स अचीव कर सकते हैं। एंड वो भी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। सो एक्शन प्लान्स दिए हुए हैं, आप अपनी पूरी टीम को रीबिल्ड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं टीम एक बार टूट जाती है, टीम एक बार को बैठ जाती है, बट फिर से रीबिल्ड कैसे करना है ये भी इस कोर्स के अंदर सिखाया गया है। तो आप देखिए एक्शन प्लान के अंदर कितना कुछ बताया गया है। उसके बाद सक्सेस प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। वेल, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मैंने बोला इट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। अब बेसिक माइंडसेट से शुरू करके हम अब एडवांस माइंडसेट पे आ रहे हैं। हमने जब बिगनर लेवल पे शुरू किया था उसके बाद
आप एडवांस लेवल पर जब आप आ रहे हैं कि आगे तक के लिए थ्रू आउट योर जर्नी आपको किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है जिससे आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, इसके ऊपर बात करी गई है। सो यू सी कि सक्सेस प्रिंसिपल्स में कितना कुछ बताया गया। एंड फाइनली आई एम गोइंग टू गिव यू अ कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब है कि ऐसी एज, एक ऐसी एडवांटेज मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपको सबसे आगे बढ़कर चलना है तो वो कैसे करना है। एंड उसके लिए कटिंग एज के अंदर आपको ट्रेनिंग दी गई है। यू कैन सी द टॉपिक्स हियर। सो ये सात डोमेन्स के ऊपर अगर आपकी मास्टरी हो गई तो आप खुद सोचिए क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोई रोक सकता है। द आंसर इज नो, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। यस, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग एक कंप्लीट ट्रेनिंग पैकेज है जिसमें 7 मॉड्यूल 7 डोमेन्स कवर करके मैंने एक ट्रेनिंग डिजाइन करी है। 100 दिनों की ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। 100 दिन तक मैं आपको ट्रेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस। एंड हर ट्रेनिंग के बाद आपको वर्कशीट्स दी गई हैं जिस पर आपको खुद काम करना है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद ट्रैक कर सकते हैं। सो 100 डेज की ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप आप ग्रो करेंगे, 7 डोमेन्स की आप नॉलेज लेने वाले हैं। जरा खुद सोचिए ऐसा कौन सा लेवल है जो अचीव नहीं हो सकता अगर आपने इतना कुछ सीख लिया। वेल, देयर इज नो लेवल जो आप अचीव नहीं कर सकते इफ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। सो इन 7 डोमेन्स पे आप मास्टरी करना आप शुरू कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो यू बिगिन विद बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।